तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टेक्नोशाला में। आज हम लोग बात करेंगे एक स्टेबल कस्टमर रूम की, जो अभी तक की सबसे बेस्ट मानी जाती है लेनोवो K6 पावर के लिए। चलिए मैं आपको उसका रिव्यू करके बताता हूँ कि मैं कल रात से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक क्या इसकी अच्छी बातें हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी वीडियो की। तो हम लोग बात करें इसकी यूज़र इंटरफेस की, तो काफ़ी अच्छी यूज़र इंटरफेस स्टॉक एंड्रॉयड आपको देखने को मिलता है इसमें, और इसमें कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलती है जैसे कि प्रीवियस रोम्स में आपको मिलती थी, जो कि AEX है या फिर डिक्रिप्शन रिमिक्स है या फिर और बाकी सारे एटॉमिक ओएस हैं, ये इतने सारे रोम्स में आपको मिलती है। इसमें नॉर्मल कस्टमाइजेशन जो आपकी स्टॉक रोम में नहीं मिलती उससे तो काफ़ी अच्छी मिलती है। इसकी बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने इसे कल रात से यूज़ किया है और अभी तक ये 59% पे है। तो मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है इस फ़ोन को, मतलब ब्राउजिंग, गेमिंग, स्ट्रक्चर सारी कुछ की है और ये अभी तक 59% पे ही है, तो बहुत अच्छी बात है इस रोम के लिए। तो चलिए मैं इसकी यूजर इंटरफेस की बात कर देता हूँ कि इसकी यूजर इंटरफेस काफ़ी सिंपल मिलती है आपको, काफ़ी क्लीन यूजर इंटरफेस है इसमें, कोई भी सारी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ को सेट करने में। इसमें एक्स्ट्राज में आपको जाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको दिया गया वर्जन कौन सा है इसका और ASCP सारा कुछ दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगी यहाँ पे एक्स्ट्रा, आपको यहाँ पे नेविगेशन बार में जाकर आप नेविगेशन बार को ऑन कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ पे ऑन कर दिया हूँ तो देखिए यहाँ पे नेविगेशन बार आ गई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार पसंद है तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। वो बार आप देखना चाहें इसके में तो और क्या क्या दी गई, तो स्टेटस बार में आप जाके यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। ब्राइटनेस कंट्रोल आप स्क्रीन से कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस आप जैसे इसे आगे बढ़ाइएगा, कम कीजिएगा तो ये कम हो जाएगा, आगे बढ़ाइएगा तो आगे हो जाएगा, इस तरह से दिया गया है। इसमें कुछ खास नहीं है लेकिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है ये सब तो। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्लॉक पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं इसको, लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, तो आप लोगों के ऊपर आपको किस तरह के पसंद है। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। और स्टेटस बार को चेंज कर सकते हैं आप, तो ये बहुत कुछ दी गई है इसमें ऑप्शंस जो आप की चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है, उतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नॉर्मल प्रॉब्लम कह सकते हैं कि ये पहली बात तो ये अनऑफिशियल रोम है तो इसमें कोई भी अपडेट्स आपको मिलने की संभावना तो नहीं है। और इसमें एक नॉर्मल क्या बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, शायद आप लोग को ना लगे, लेकिन ये जो यहाँ पर नोटिफिकेशन LED ब्लिंक करता था पहले, अब ब्लिंक नहीं करता है, ये जलता ही रहता है। कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको आएगा तो बस जलता ही रह जाएगा वाइट कलर का, जैसे बैटरी चार्जिंग टाइम में जलता रहता है वैसे ही जलता रह जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम शायद है, मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है लेकिन पता नहीं है प्रॉब्लम इसकी रोम के साथ है या आप इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कोई सेटिंग ऐसा पाया नहीं कि आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी तक सबसे अच्छा रोम माना जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसमें कोई भी तरह की बग्स नहीं है, काफ़ी स्मूथ काम करता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी है और सबसे अच्छी बात इसमें वोल्टी भी काम करता है। अगर आप देख रहे हैं कि वोल्टी यहाँ पर शो नहीं कर रहा होगा लेकिन वोल्टी इनेबल्ड है ये फ़ोन, देखिए आपको मैं कुछ कॉल कर दिखा देता हूँ जियो से। देखिए कॉल लग गया है जियो से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये कंप्लीट स्टॉक एंड्रॉयड का लुक देगा। अगर आपको ये स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है, काफ़ी अच्छी स्टॉक है, पूरा क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड, तो आप इसे इंस्टॉल कीजिए और ये काफ़ी अच्छी रोम है अभी तक मानी जाती है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको TWRP 3.1.1, जी हाँ दोस्तों 3.1.1 आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उससे पहले बूट लोडर अनलॉक कर इसको TWRP 3.1.1 इंस्टॉल करके इसे फ्लैश कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे फ्लैश कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।